हेलो सर, आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू नाउंस वाला, नाउंस एंड प्रोनाउंस वाला, जिसमें नाउंस का आपको बताया गया था उसमें क्या क्या है, नाउंस और प्रोनाउंस के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है। तो हमने कल इसमें क्या पढ़ा था, केवल टाइप्स ऑफ नाउंस पढ़ा था, उसको तो एक्सरसाइज की थी एक, है ना। होमवर्क में भी दी थी मैंने आपको, है ना। तो पहले होमवर्क वाले डिस्कस कर लें, उसके आगे जो आज का मेन टॉपिक है वो हम करते हैं। मैं फिल कर देता हूँ। द ऑडियंस एंजॉयड द म्यूजिक। यहाँ पे क्या है गया, म्यूजिक। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। बहुत इजी इजी है, ये तो आपने फिल कर लिए होंगे, ठीक है। हर बैंगल्स आर मेड ऑफ गोल्ड। इफ वी हैड सिंसियरिटी मैनी प्रॉब्लम्स वुड हैव बीन सॉल्व्ड। यहाँ पे सिंसियरिटी आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ बची, यहाँ पे क्या बचा है, टॉलरेंस। टॉलरेंस नहीं, सिंसियरिटी यहाँ पे आएगी, ठीक है। और यहाँ पर आएगा टॉलरेंस। अगर हमारे अंदर पेशेंस होगा तो हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपके सारे सही होंगे। अगर जो सही ना हो वो मुझे व्हाट्सएप आप कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। देख, काउंटेबल अनकाउंटेबल हमने कल पढ़ ही लिए थे। ये भी देखा था कि ये केक वर्ड है, अगर हम परचेस करने आए तो हम उसको क्या कर काउंट कर पाएंगे, लेकिन अगर हम किसी थोड़ा सा खाने के लिए मांग रहे हैं तो स्पेस को भी क्या काउंट करोगे। तो सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा कि सेंटेंस में क्या मीनिंग निकल रहा है। सेंटेंस के अंदर वो काउंटेबल वाला मीनिंग दे रहा है, अनकाउंटेबल वाला मीनिंग दे रहा है ना, ये हमें चेक करना पड़ेगा। अब वो जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो ये होता है नाउन केस। समझ लो नाउन केस का मतलब क्या है। मैंने आपको बहुत और बताया है, चलो नाउन से छोड़ो यार। क्या मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, मैं बोलूँ, एक सेंटेंस में देता हूँ, राम प्लेज, राम प्लेज क्रिकेट। CRICK इट ही राम प्लेस क्रिकेट। सेंटेंस ठीक है, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बाप से पूछूंगा तो आप क्या बताओगे। सर ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, है ना। डोंट यू थिंक ये राम, राम क्या है, किसी चीज़ का नेम है, किसी पर्सन का नेम है। तो डोंट यू थिंक ये नाउन हो गया। क्रिकेट, क्रिकेट भी क्या है, नेम ऑफ अ गेम है, किसी गेम का नेम है। तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया, आया ना। यानी किस बोलते नाउन केस, नाउन किस किस केस में किस किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो नाउन को आप एज अ सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो, नाउन को आप एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, और अगर बोलूं, एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ही गिव मी तान्याज बुक। उसने मुझे तान्या की बुक दी, उसने मुझे तान्या की बुक दी। तो यहाँ पर ये जो बुक पूरा आया है, इस बुक का नाम है या नहीं, इस बुक की एक आइडेंटिटी है या नहीं, इस बुक की जो आइडेंटिटी है वो क्या है, कि ये बुक तान्या की है। ये बुक क्या है, तान्या की है। तो जब कोई वर्ड हमें बताती है कोई चीज़ किसकी है किसकी नहीं है, किसका किसके बताने वाले जो नाउंस होते हैं उसको हम बोलते हैं पजेसिव नाउन। क्या बोलते हैं उसको, पजेसिव, यानी बताते हैं कोई चीज़ किसके पोजिशन में है। तो पोजिशन मतलब किसकी चीज़ है, पोजिशन मतलब किससे बिलोंग करती है। तो ये बुक किससे बिलोंग करती है, तान्या से। उसने मुझे तान्या की बुक दी, यानी ये बुक किसकी है, तान्या की। तो ऐसे नाउन, तो ऐसे केस में जो पूरा जो हुआ, ये पूरा क्या हुआ, ये भी नाउन हुआ। बुक का एक नाम दे दिया, बुक एक आइडेंटिटी दे दी कि बुक किसकी है, तान्या की बुक है। तो इस केस में भी हो सकता है, इसको हम बोलते हैं पजेसिव नाउन। इसको क्या बोलते हैं, पजेसिव नाउन। तो यानी नाउन के ऐसा पजेसिव नाउन भी यूज किया जा सकता है। तो आपने देखा नाउन के तीन तरह के यूज हो गए, नाउन के तीन तरह के यूज हो गए, नाउन एज अ सब्जेक्ट, नाउन एज अ ऑब्जेक्ट, नाउन एज अ पजेसिव नाउन, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर भी,
कि नाउन को आप तीन तरह से यूज कर सकते हो, एज द सब्जेक्ट और एज द ऑब्जेक्ट और एज अ टू सो पजेशन, यानी एज अ पजेसिव नाउन, एज अ पजेसिव नाउन भी आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट में भी दो चीज़ आते हैं, ऑब्जेक्ट में भी दो चीज़ें आती हैं सर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट के केस में पता करते हैं। बेसिकली करना क्या है, एक्सरसाइज कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। वो आपसे क्या कहेगा, आपको एक सेंटेंस दे देगा, आपको एक सेंटेंस दे देगा, ऐसा सिंपल सा सेंटेंस दे देगा, राम प्ले द सब्जेक्ट। अब आपसे कहेगा इसमें आइडेंटिफाई करो नाउन एज अ सब्जेक्ट, इसमें आइडेंटिफाई करो नाउन एज अ सब्जेक्ट। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो नाउन एज अ सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, यानी कि सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, नाउन एज अ सब्जेक्ट। तो राम एक नाउन है, नाउन एज अ राम ही है, जो राम है जो एक नाउन भी है लेकिन एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया। तो फिर आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हो किसी सेंटेंस में, ये तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में आपने पढ़ा होगा, चैप्टर वन। सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, व्हाट और हु लगाकर, व्हाट और हु लगाकर। ये कोई नई चीज है या पुरानी चीज है, आप बस भूलते जाते हो। सब्जेक्ट कैसे पता करोगे, व्हाट और हु लगाकर। तो व्हाट और हु लगाकर पहले सब्जेक्ट पता करो, नाउन में बता रहा हूँ, स्टेप बता रहा हूँ, स्टेप कैसे आप नाउन एज अ सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करोगे किसी भी सेंटेंस में। सर दिखा दो पहले क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, आप वो कह रहे हैं इसमें आइडेंटिफाई करो नाउन, क्योंकि कैसे यूज हुआ है, एज अ सब्जेक्ट, नाउन आइडेंटिफाई करो एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे ऐसे केस में, तो उसका स्टेप वन क्या है, स्टेप वन पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो। पहला स्टेप क्या है, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो। तो सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे, व्हाट या फिर उसे क्वेश्चन बनाकर, व्हाट या फिर उसे क्वेश्चन बनाकर। ठीक है, सब क्वेश्चन पूछ लिया, पूछो राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट, हु प्लेज क्रिकेट, कौन खेलता है क्रिकेट, हु प्लेज क्रिकेट, हु प्लेज क्रिकेट, हु का आंसर क्या है, राम, यानी राम हो गया आपका सब्जेक्ट, राम हो गया आपका सब्जेक्ट। फिर देखो क्या सब्जेक्ट का कोई नाम है, क्या ये सब्जेक्ट ही सी है या फिर सब्जेक्ट का कोई नाम है। एसएस वाले केस में बोलो, हु गेव मी तन्यज बुक, हु गेव मी, तो हु का आंसर ही, क्या ही का कोई स्पेसिफिक नाम है, नहीं, तो ये नाउन एज अ सब्जेक्टिव केस नहीं हुआ, तो ये नाउन एज अ सब्जेक्टिव केस नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे इस जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कोई स्पेसिफिक नेम है, हाँ इस सब्जेक्ट का स्पेसिफिक नेम है राम, तो ये हमारे क्या हो गया, नाउन एज अ सब्जेक्टिव केस हो गया। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, तो स्टेप लिख लो इस चीज़ के, वेन नाउन इज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इस चीज़ को छोड़ दो जो लिखा हुआ है, समझ में नहीं आएगा आपको क्या लिखा हुआ है। हाँ, जो मैंने आपको समझाया कि नाम को, नाउन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, तीन तरह से यूज कर सकते हैं, एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं नाउन को, एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं नाउन को, एज अ पजेशन, टू सो पजेशन यूज कर सकते हैं। आप सोचो एग्जाम्पल नोट कर सकते हो, ठीक है, नोट कर लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, स्टेप, अब लिखो स्टेप, हाउ टू आइडेंटिफाई, ये हेडिंग लिख लो, ये हेडिंग लिख लो, हेडिंग लिखो, ये वाली आइडेंटिफाई द नाउन्स इन द सब्जेक्टिव केस, आइडेंटिफाई द नाउन्स इन द सब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब मैं आपके स्टेप लिखा था, स्टेप के पीछे का लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। सर स्टेप क्यों है, क्योंकि जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, तो स्टेप वन तो सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने का है, और दूसरा नाउन को आइडेंटिफाई करने का। नाउन किससे बोलते हैं, किसी भी चीज़ के नेम को, तो दोनों स्टेप आपके हो गए। स्टेप वन लिखो आइडेंटिफाई सब्जेक्ट। तो आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, सर आप सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे, बाय आस्किंग क्वेश्चन विद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखो, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखो, व्हाट और हु। इन्वर्टेड कॉमास को बंद कर दो, कोटेशन मार्क जो आपने ओपन किए थे उनको क्लोज कर दो। ठीक है, यानी पहला स्टेप क्या हमारा, केवल सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो। अब सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे आपको याद नहीं, और मैंने आगे बताई दिया कि व्हाट और हु से क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, सेकंड स्टेप में लिखो, स्टेप टू, चेक वेदर check whether
सब्जेक्ट हैज नेम और नॉट, चेक सब्जेक्ट हैज नेम और नॉट, लिख लिया। अब उसके आगे तो एरो ऐसे बना लो, उसके नीचे दो एरो बना लो ऐसे, ठीक है। मैं आप लिखो इफ यस, इफ यस का मतलब क्या, अगर उसका नाम है, अरे सुनो उसका नाम नहीं है, सब्जेक्ट का नाम है या सब्जेक्ट का नाम नहीं, दो चीज हो सकती है। जैसे अगर हीसी वाले क्वेश्चन हुए, जैसे हीसी वाले सेंटेंस है तो आपका नाम होगा ही नहीं ना उसका, अगर होगा या फिर नहीं होगा, दो चीज हो सकती है। अगर है तो वो नाउन एज अ सब्जेक्ट है, तो फिर तो वो नाउन क्या है, एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट का कोई नाम नहीं है तो वो नाउन है तो सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये दो स्टेप है, इन दो स्टेप में आप क्या कर सकते हो, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपके पहले वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अभी नहीं कर रहे, अभी दूसरे भी लिख लेते हैं, क्योंकि मेरा पहला पर्पज है कि मैं अभी आपका जो नाउन वाला है, नाउन वाला तो कम से कम मैं इस वीडियो में करा ही दूँ, बाद में क्वेश्चन आंसर करते देंगे। अब बताओ ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्टिव, अब आपको नाउन है तो ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। अब देखो दो हैं इसके अंदर हेडिंग, मेरे को समझा जरा, बी और सी दोनों ही ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, दोनों ही, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, बस सर ये बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट की, ये बात कर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, ठीक है सर। क्या दोनों के तरीके से मिल जाएंगे? हाँ दोनों के तरीके चेंज जाएंगे, पर तरीके कुछ नहीं है। अगर आपको याद है फ्रेज वाले चैप्टर में जो हमने किए थे, फ्रेज वाले चैप्टर में हमने किए थे ना, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़े थे। अगर आपको याद है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो बिल्कुल वही है, वही इजी स्टेप है। तो लिखो लिखो आइडेंटिफाई, एक हेडिंग लिखो बी, अभी आपने एक हेडिंग लिखी थी ना स्टेप से पहले हेडिंग, तब दूसरी हेडिंग लिखो Identify the nouns, जो बोलना वही लिखना, Identify the nouns, Identify the nouns, इन ऑब्जेक्टिव केस, इन ऑब्जेक्टिव केस, ये वाली यानी कि इन ऑब्जेक्टिव केस, ब्रैकेट में लिख लेना ऑब्जेक्टिव केस का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस का मीनिंग लिख लेना, लिख लेना ब्रैकेट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ पे बात डायरेक्ट की, किसकी बात हो रही है, डायरेक्ट की, ठीक है। लिख लिया आपने, स्टेप वन लिखो, स्टेप वन वही, पहले तो आइडेंटिफाई करो सर, ऑब्जेक्टिव केस आइडेंटिफाई करना, तो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लिख लिया सर, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो भूल गए, लिख भूल गए ना, तो लिखो बाय मेकिंग क्वेश्चन, बाय मेकिंग क्वेश्चन विद विद कोटेशन मार्क के अंदर लिखो व्हाट, कोटेशन मार्क के अंदर लिखो व्हाट आफ्टर द बर्थ, व्हाट आफ्टर द बर्थ, आफ्टर द बर्थ, और कोटेशन मार्क क्लोज कर दो। यानी कि अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपको वर्ड से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, पर वर्ड स्टार्टिंग में लगाना, वर्ड आपको लगाना लास्ट में, वर्ब के बाद आपको वर्ड लगाना है सर, वर्ब के बाद वर्ड लगाना है, मतलब कि ये वर्ब है, इस वर्ब के बाद यहाँ पे वर्ड लगाना है, यानी बोलो राम प्लेज वर्ड, अब क्वेश्चन ऐसा होता ना सर, ये तो सेंटेंस होती है राम प्लेज वर्ड, नहीं ये ट्रिक है, सेंटेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, ट्रिक की बात कर रहे हैं। वैसे क्वेश्चन क्या बनेगा अगर सेंटेंस करके दो, वर्ड डज राम प्ले, वॉट डज राम प्ले, आपके तरह जाने नहीं ट्रिक है, आपको सिंपल से देखो वर्ब के वॉट लगाओ, राम प्लेज वॉट, राम क्या खेलता है, राम क्या खेलता है, सिंपल सा राम प्लेज वॉट, वॉट का आपको आंसर मिल गया, तो वॉट का आंसर आएगा क्रिकेट, तो क्रिकेट आपको क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिल गया, मिल गया। तो पहले तो लिख लिया जाए, पहला स्टेप हो गया आपका आइडेंटिफाई द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय मेकिंग क्वेश्चन विद इनवर्टेड कॉमास के अंदर, कोटेशन मार्क के अंदर, वॉट आफ्टर द वर्ब है ना, कोटेशन मार्क बंद, कोटेशन मार्क बंद कर दो, ठीक है, आपको उसे ऑब्जेक्ट पता चल गया। अब सेकंड स्टेप में चेक करो कि इस ऑब्जेक्ट का कोई नाम है या नहीं, अगर ऑब्जेक्ट का नाम है तभी तो वो नाउन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सर ये क्यों चेक करवा रहे बार बार, अरे नेम नाउन का मतलब ही क्या है, नाउन का मतलब ही नेम है,
अगर किसी चीज का नेम ही नहीं तो वो नाउन कहाँ से हो जाएगा? कि नाउन का मतलब ही नेम है, नाउन का मतलब ही नेम, अगर नेम ही नहीं तो नाउन कहाँ से हो जाएगा? हमें नेम चेंज करना पड़ता है। तो वही लिख लो जो आपने सेकंड स्टेप में लिखा था, ऊपर जो आपने सेकंड स्टेप लिखा ना, चेक वेदर द ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपको लिखना, ऑब्जेक्ट, चेक वेदर द ऑब्जेक्ट हैज नेम, चेक वेदर द ऑब्जेक्ट हैज नेम, और इसी तरह से लिख लेना इफ यस और इफ नो, ऐसे दो डायग्राम बना लेना, इफ यस और इफ नो, अगर है तो यहाँ पे लिखना नाउन एज अ ऑब्जेक्ट है, नाउन एज अ ऑब्जेक्ट है, और अगर इफ नो आ रहा है आंसर, नाम नहीं है सर उसका, तो नाउन एज अ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्रॉस कर देना, ठीक है। जहाँ पर आपको लगे सर मैं रुक बहुत तेज बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज करते हैं, लिखते हैं वीडियो पॉज करते हैं और लिखते हैं, ठीक है। हम अपनी वीडियो की लेंथ नहीं उसके लिए भी फालतू में बढ़ाएंगे, बढ़ाने से कोई फायदा थोड़ी है ना, अगर आप कम टाइम में काम कर सकते हो तो क्यों वेस्ट करना टाइम को, ठीक है। नाउन एज ऑब्जेक्ट हो गया। अब थर्ड केस लोगो, आइडेंटिफाई द नाउन इन दी ऑब वो सॉरी आइडेंटिफाई द नाउन इन नाउन एंड डेटिव केस, डेटिव केस है ना, डेटिव केस, ठीक है। लिखो आइडेंटिफाई द नाउन इन डेटिव केस, आइडेंटिफाई द नाउन इन डेटिव केस है, लिखो इसको, लिख लिया। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे टाइप का है ना, इसमें लिखो स्टेप वन आइडेंटिफाई दी सॉरी डेटिव केस है ना, डेटिव केस के आगे ब्रैकेट में लिख लो इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम बात किसकी करते हैं, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, तो लिखो यहाँ पे आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सर कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो लिख लो बाय मेकिंग क्वेश्चन विद द, बाय मेकिंग क्वेश्चन विद विद कोटेशन मार्क में लिखो टू होम ऑब्लिक फॉर होम ऑब्लिक फ्रॉम होम है ना, ऑब्लिक होम, इनसे टू होम हो सकता है, फॉर होम हो सकता है, फ्रॉम होम हो सकता है, और सिंपल होम भी हो सकता है ना। कोटेशन मार्क बंद कर लो ना, वही आफ्टर द वर्ब, ये आफ्टर के आफ्टर द वर्ब ही लगाना है। तो बताओ जरा कैसे, पहला स्टेप क्या है, सेंटेंस में आइडेंटिफाई करो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो इसमें देखो ही गेव मी तानाज बुक, तो इसके बाद लगाओ टू होम, इसके बाद लगाओ टू होम, ही गेव टू होम तानाज बुक, उसने किसको तान्या की बुक दी, ही गेव टू होम तानाज बुक, उसने किसको तान्या की बुक दी, तो ऐसा आपको मालूम पड़ेगा टू होम का, मुझे मिल गया आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिल गया, मिल गया। अब चेक करो कहाँ आ गया इसके एग्जांपल क्या क्या आपका है ना, अब चेक करो सेकंड स्टेप में लिखो, पहला स्टेप आपने लिख लिया, सेकंड स्टेप में लिखो चेक वेदर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, चेक वेदर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैज नेम, क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई स्पेसिफिक नेम है, ऐसा नहीं है तो ये नाउन एज अ डेटिव केस नहीं होगा। तो फिर उसके आगे लिखना चेक वेदर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैज नेम, फिर ऐसा डायग्राम डालना इफ यस इफ नो, अगर है तो लिखना नाउन एज अ डेटिव केस, नाउन एज अ डेटिव केस है ना, अगर नहीं है तो फिर नहीं है, अगर नाम ही नहीं है तो नाउन भी नहीं है। थर्ड हो गया, पहले थर्ड की एक्सरसाइज करते हैं, बाद में मैं आपको पजेशन वाला सिखाऊंगा, पजेशन वाला थोड़ा सा, क्योंकि पजेशन आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ना इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये सब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो पहले पढ़ चुके हो, उसमें दिक्कत नहीं आती। क्या पता करना है यहाँ पे, अपने स्टेप्स खोल के बैठे हो बगल में और थोड़ा दिमाग लगा चलना मेरे साथ में है ना, हर न्यू ड्रेस लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई क्या करना है इसके अंदर, नाउन एज अ सब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है, नाउन एज अ सब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है, दो स्टेप हैं, पहला स्टेप आइडेंटिफाई पहले करो, स्टेप पहला सॉरी आइडेंटिफाई करो पहले सब्जेक्ट, तो वीडियो को पॉज करो और सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, वीडियो को पॉज करो और सब्जेक्ट को क्या करो आइडेंटिफाई करो, और आइडेंटिफाई करने के बाद वीडियो को प्ले कर लेना,
आई थिंक आपने सब्जेक्ट प्ले कर वो ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा वीडियो पोस्ट करने करने के बारे में ना, तो उसका सब्जेक्ट कैसे पता करोगे? वॉट या फिर हु से, वॉट या फिर हु से तो लिख सकते हो, वॉट ड्रेस लुक्स ब्यूटीफुल या हु लुक्स ब्यूटीफुल। वॉट लुक्स ब्यूटीफुल भी लगा सकते हो, हु लुक्स ब्यूटीफुल भी लगा सकते हो। तो वॉट लुक्स ब्यूटीफुल सर, क्या नया दिख, क्या अच्छा दिखाई देता है या कौन अच्छा दिखाई देता है सर, कौन तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, वॉट से सही क्वेश्चन लगे। तो वॉट लुक्स ब्यूटीफुल तो सर उसकी न्यू ड्रेस, ये पूरा ही क्या इसके अंदर सब्जेक्ट है, उसकी न्यू ड्रेस लुक्स ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे है ना सब्जेक्ट क्या हो गया, हर न्यू ड्रेस, हर न्यू ड्रेस। ठीक है, फिर चेक करो क्या इस सब्जेक्ट का कोई, इस सब्जेक्ट का कोई नाम है, इस सब्जेक्ट की कोई आइडेंटिटी है अलग से? अगर है तो ये हमारा नाउन हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, वीडियो पॉज करो और सोचो नाम है या नहीं इसका कोई ड्रेस का। आई थिंक आपने चेक कर लिया होगा, तो देखो यहाँ पे नाम है न्यू न्यू ड्रेस। सर आपको ये तो कोई नाम, ये तो कोई नाम ही नहीं है, मैंने क्या बोला? नाउन किसी भी तरह के हो सकते हैं सर, नाउन प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, नाउन कॉमन नाउन भी हो सकता है, नाउन कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है, नाउन मटेरियल नाउन भी हो सकता है, नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है। वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वहाँ पे पता है न्यू है ओल्ड है, वहाँ पे फीलिंग्स आ रहा है, एक आइडेंटिटी तो बता ही रहना, किसी भी तरह का नाउन हो सकता है, जरूरी है कि वहाँ पे स्पेसिफिक नेम हो, यहाँ पे नया पुराना ही बोल सकता है। तो नई पुरानी है हाँ, तो फिर ये हमारा क्या है, फिर ये हमारा क्या बन गया, ये नाउन एज अ नाउन इन द सब्जेक्टिव केस बन गया। ठीक है, फर्स्ट आंसर ही हो गया। सेकंड वाला खुद सॉल्व करो वीडियो पॉज करके, आई थिंक आपने कर लिया होगा है ना वीडियो पॉज करके। अगर नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल गलत कर रहे हो, इस तरह से पढ़ेगा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको अभी। ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। तो उसमें पहले क्या करना है, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट कैसे था करोगे, हु से वॉट से, तो हु इज द कैप्टन ऑफ लार्ज से, हु तो हु का आंसर क्या है, सौरव मेहता, यानी सब्जेक्ट हो गया। किस सब्जेक्ट का कोई स्पेसिफिक नाम है, हाँ सब्जेक्ट का नाम है, तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन एज सब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है, बाकी के तीन होमवर्क में, बाकी के तीन क्या है, होमवर्क में। ठीक है, बी वाले में भी फोर है, दो कराऊंगा, दो होमवर्क में देंगे, दो कराऊंगा, तीन होमवर्क में देंगे। आई बॉट अ कंप्यूटर फॉर माई ब्रदर, यहाँ से पूछा क्या ऑब्जेक्टिव केस, यानी नाउन एज ऑब्जेक्टिव केस पूछा क्या है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इनडायरेक्ट की, तो दिमाग लगाओ सर, डायरेक्ट की या इनडायरेक्ट की, डायरेक्ट किसके हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, हाँ दो सेकंड रुको बेटा, मेरे को डर लग रहा है यहाँ पे मेरा डेटा कनेक्ट है नहीं, और रिकॉर्डिंग चल भी रही है पता नहीं कैसे, मैं इसको डेटा से कनेक्ट कर लूँ मैं, तो रिकॉर्डिंग बाद में कैंसिल हो गई तब प्रॉब्लम हो जाएगी। थैंक गॉड ये रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, हम देख रहे थे नाउन एज ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो मैं आपको अब इसके स्टेप कर लो। पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई करो वीडियो पॉज करो, खुद को आता है आपको, पढ़ चुके फर्स्ट चैप्टर में, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो। ठीक है, वीडियो पॉज करके आइडेंटिफाई करना है, आई थिंक आपने कर लिया होगा, तो हम ट्राई करते हैं कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सर एक क्वेश्चन पूछना पड़ता है वर्ड का, और वर्ड कहाँ पे लगाते हैं, वर्ब के बारे में, तो पहले वर्ब आइडेंटिफाई करो कि वर्ब के बाद तो वर्ड लगाओगे, यानी यहाँ पे वर्ड लगाना है और यहाँ पे वर्ड लगाना है, मैंने पहले मार्क कर लिया कि कहाँ कहाँ पर मेरे को वर्ड लगाना है। तो लिखा हुआ आई बॉट वॉट, आई बॉट वॉट, मैंने क्या खरीदा अपने भाई के लिए, मैंने क्या खरीदा अपने भाई के लिए, तो क्या क्या आंसर आ गया, कंप्यूटर खरीदा, एक कंप्यूटर खरीदा। ठीक है, तो पहला मेरे को ऑब्जेक्ट तो मिल गया, अब चेक करो क्या उस ऑब्जेक्ट का कोई नाम है, हाँ सर ऑब्जेक्ट का नाम है, मैंने एक चीज़ खरीदी उस चीज़ का एक नाम है या नहीं है, मैंने एक चीज़ खरीदी उस चीज़ का एक नाम है सर, मैंने कंप्यूटर खरीदा, यानी चीज़ का नाम है ना, तो आपका ऑब्जेक्ट केस हो गया। ठीक है,
अब दूसरा वाला द हंटर किल्ड द टाइगर, पहले वही आप ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, वीडियो पॉज करते हैं। मैंने कर रखा है ऑलरेडी, आप अपना दिमाग लगाओ। तो मैंने कर रखा है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, कैसे मैंने ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया? द हंटर किल्ड व्हाट, हंटर ने क्या मारा? हंटर ने क्या मारा सर? हंटर ने एक टाइगर मारा था। मेरे को एक ऑब्जेक्ट तो पता चल गया कि हंटर ने कुछ तो मारा, एक चीज मारी है, उसका मेरे को ऑब्जेक्ट पता चल गया। देखो तो ऑब्जेक्ट का कोई नाम है? हाँ सर, ऑब्जेक्ट का नाम है टाइगर, इसका एक नाम है, इसमें टाइगर मारा। तो हाँ ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट नाउन एज ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है, नाउन एज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्लियर है? बाकी के तीन आपके होमवर्क में है। नाउन एज अ डेटिव केस, नाउन एज अ डेटिव केस। तो यहाँ पे आपको क्या आइडेंटिफाई करना, पहला स्टेप क्या है, इन ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो करो आइडेंटिफाई, आपको आने चाहिए। मैं तो एज्यूम करके लूँ कि आपका फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, तो आपको आता होगा। आइडेंटिफाई करो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कैसे करते हैं वो भी आपको पता ही है, आपको ये भी पता ही है कि वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, है ना? वीडियो पॉज करो, आइडेंटिफाई करो। आई थिंक आपने कर लिया होगा, तो मैं वो करके बताता हूँ। सर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? टू होम, होम लगा, होम लगा कर हम आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर होम है ना, ये आइडेंटिफाई लगा कर हम करते हैं। ये भी कब लगेंगे? वर्ब के जस्ट बाद। ही गेव फॉर होम आ गिफ्ट, ही गेव टू होम आ गिफ्ट, उसने किसको गिफ्ट दिया? आपको हिंदी नहीं पता ना, इनकी हिंदी हिंदी लिख लो। कौन, क्या, इसका मीनिंग होता है कौन, इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब कहता है क्या, ठीक है, इसका मतलब किसको, किस, अगर टू हुम है तो टू हुम का मतलब किसको, फॉर हुम है किसके लिए, है ना, फ्रॉम हुम है तो किससे, किस से। लिखो पहले आप टू हुम वगैरह लिखे ना, सारे मैंने टू हुम लिखो, टू हुम, टू हुम का मतलब किसको, किस को, है ना, फॉर हुम मतलब किसके लिए, किसके लिए, फ्रॉम हुम मतलब किस से, किस से, ठीक है। तो इसका मतलब लिखा ही गिव टू होम अ गिफ्ट, उसने किसको गिफ्ट, उसने किसको गिफ्ट दिया। तो सर किसको का आंसर आपको मिल गया, रानी। तो रानी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई, रानी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई, रानी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो किस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कोई नाम है, हाँ नाम है सर रानी, तो हमारा नाम एज अ डायरेक्ट केस हो गया, ठीक है। और दूसरे वाले में फरीदा सेंग अ सॉन्ग फॉर रात, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब के बाद आपको लगाना है सर, वर्ब के बाद का मतलब ये नहीं, वर्ब के बाद इस जगह पर आप लगा दो, नहीं, मेरा वर्ब के बाद होता है, इस वर्ब के जस्ट बाद मेरे को वर्ब क्वेश्चन लगाना है। फरीदा सेंग फॉर हुम अ सॉन्ग, फरीदा सेंग फॉर हुम अ सॉन्ग, फरीदा ने किसके लिए गाना गाया, फरीदा ने किसके लिए गाना गाया, फरीदा ने राज के लिए गाना गाया, फरीदा ने राज के लिए गाना गाया। तो किसके लिए गाया, उसका आंसर आपको मिल गया किसके लिए, ठीक है, राज के लिए। अब देखो जो आपको एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता चल गया, थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया, आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो इस सेकंड स्टेप कहता है, इसका चेक करो इसके कोई नेम है या नहीं। हाँ सर इसका नेम है, अगर नेम है तो ये हमारा नाउन एज अ डेटिव केस हो गया, ठीक है। ये दो भी हो गए, बाकी के तीनों के आपके होमवर्क में, बाकी के तीनों भी के आपके होमवर्क में है, ठीक है। अब पजेसिव केस बहुत ईजी है, बस पजेसिव में ये बता दूँ कि पजेसिव बनाते केस, उसमें दो चीज़ें आपको पढ़नी है, एक तो आइडेंटिफाई करना है, एक तो आइडेंटिफाई करना है। पहला तो आइडेंटिफाई वाला क्वेश्चन बनेगा, जैसे हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करें तो नहीं तो आइडेंटिफाई करना है। दूसरा हाउ टू राइट इन पजेसिव फॉर्म, लिखते कैसे ये पजेसिव नाउन, या पजेसिव नाउन लिखते कैसे ये तो बताओ। तो आपको चीज़ें आती हैं, तीसरे घर में पजेसिव नाउन लिखना होता है, जैसे तो हम ऑफ को हटाकर एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। देखो पहले पजेसिव नाउन का मीनिंग समझो, पजेसिव नाउन है ना, पजेसिव जो वर्ड है, पजेसिव वर्ड बना हुआ है पजेसन से, पजेसिव जो वर्ड है वो वर्ड वो किससे बना हुआ है, पजेसन से, पजेसन से, है ना।
पजेशन की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, ठीक है। अब पजेशन का मीनिंग क्या होता है? हक, हक पजेशन मतलब हक, राइट है ना, हक या फिर राइट। और नाउन मतलब पता है, किसी भी चीज़ का नेम हो सकता है, किसी भी चीज़ का नेम हो सकता है, तो पजेसिव नाउन क्या बताता है ना कि किसका हक है, किसका हक है। सर एग्जांपल दो, एग्जांपल दो तो अगर मैं बोलूँ जैसे वाला सेंटेंस था, ही गेव मी तानेज बुक, तो जो बुक उसने दी उस बुक पर किसका हक है, उस बुक पर किसका हक है, तानिया का उस बुक पर किसका हक है, किसकी बुक पे, तो जिसकी बुक होगी उसका तो हक होगा, तो उस पर किसका हक है, तानिया का। सर ये कैसे मालूम पड़ा किसका उस पर हक है? सर इसकी वजह से, सर किसकी वजह से, सर जो तरह से लिखा हुआ है ना इस तरह से, इसकी वजह से, एपोस्ट्रॉफी इसकी वजह से, उसमें ये थोड़ा लिखा है द बुक बिलोंग्स टू तानिया, क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? बुक बिलोंग्स टू तानिया नहीं लिखा हुआ, लेकिन एपोस्ट्रॉफी इसका मतलब क्या, एपोस्ट्रॉफी एस ही बताता है, एपोस्ट्रॉफी इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू, एपोस्ट्रॉफी इसका मतलब ही क्या है कि ये किससे बिलोंग करती है, कि ये किससे बिलोंग करती है, ये किसकी है किसकी नहीं है, एपोस्ट्रॉफी यही बताता है, एपोस्ट्रॉफी यही बताता है कि ये किसकी है किसकी नहीं, ठीक है। यानी कि एपोस्ट्रॉफी का मतलब करता है, देखो आप जो सेंटेंस है इतना सा सेंटेंस, तानिया बुक, इस तानिया बुक को लिखने के दो तरीके हैं, एक तो उसको मतलब एक तरीका ये भी होता है बुक ऑफ तानिया, बुक ऑफ उसको मैं कैसे करता है, ही गेव मी बुक ऑफ, बुक ऑफ तानिया, अगर मैं ऐसा लिखता तो अभी आपके लिए सिंपल रहता, ही गेव मी बुक ऑफ तानिया, ऐसे लिख सकता था ना मैं, हाँ ना, ही गेव मी बुक ऑफ तानिया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ही गेव मी बुक ऑफ तानिया, तो वो तानिया ना अभी पजेसिव नाउन नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं सेंटेंस को पजेसिव नाउन में लिखूँ, पजेसिव नाउन में लिखूँ, तो मेरे को पता है क्या करना पड़ेगा, इस ऑफ को हटाना पड़ेगा, इस बुक को यहाँ पे चेंज लाना पड़ेगा, यानी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, ऑफ को हटाना पड़ेगा, तो ऑफ को हटाना पड़ेगा, ऑफ की जगह पे मैं क्या लगाऊंगा, एपोस्ट्रॉफी एस, एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है, और इस बुक को मैं आगे भेज दूंगा, तब उसको ये क्या बनेगा मेरा, तान्याज बुक, तान्याज, तान्या तो नाम हो गया, और ऑफ की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, एपोस्ट्रॉफी एस, और बुक को मैंने आगे भेज दिया। तो ये तरीका होता है, यानी जो ऑफ वाला सेंटेंस था ऑफ, उस ऑफ को हटाकर हम क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मैं बोलूं एक सेंटेंस है, ये तो केस ही हो गया सिंपल सा, केस बन, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन ऐसा है, ही गिव मी फूड ऑफ सोल्जर, सोल्जर, देखो अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। सर यहाँ पर जो ऊपर जो सेंटेंस था, तो वहां पर ऑफ के बाद जो वर्ड आ रहा था ना, ऑफ के बाद जो वर्ड आ रहा था, वहां पे एस नहीं था, वहां पर एस नहीं था, तो सामने एपोस्ट्रॉफी लगा दिया। सर यहाँ पर ऑलरेडी एस है, यहाँ पर ऑलरेडी एस है, तो क्या सर इसको आप ऐसे करोगे, आपको होता है ना पोजेसिव नाउन जो चेंज होता है ना, वो ऑफ वाला जो सेंटेंस था ऑफ वाला सेंटेंस, वो यही पोजेशन में चेंज होता है, इसी को हम बस चेंज करते हैं, तो उसको कैसे चेंज करेगा आप, कैसे होगी, एस ओ एल डी आई ई आर एस सोल्जर्स फूड, अगर आप ये सोचो तो ये गलत है, तो ये क्या है, गलत है। आप दो दो एस एक साथ नहीं लगा सकते, आप दो दो एस एक साथ नहीं लगा सकते, इसका मतलब सबसे सही कैसे होगा, आपको ये एस लगाना पड़ेगा, अगर ऑलरेडी नेम के आगे, नेम में ही एस है, अगर नेम में ही एस है, तो आप केवल एपोस्ट्रॉफी मार्क लगाओ, एपोस्ट्रॉफी सिंबल लगाओ केवल, फिर आपको एस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर नाम के आगे अगर एस नहीं है, तो आप एपोस्ट्रॉफी एस लगाओ, अगर नाम में ऑलरेडी एस है, तो फिर आप केवल एपोस्ट्रॉफी मार्क लगाओ, फिर आपको एस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया पहला रूल, तो पहला तो आपको यही दिया हुआ है कि हम कैसे कन्वर्ट करें, कैसे हम पजेसिव में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो वो कह रहा है कैसे करें, तो वो कह रहा है
पहले तो कैन को चेंज करो, पहले तो उसको कैसे चेंज करो, उसको चेंज करो किसमें, अजय से फॉर्म में, है ना। अब मैं क्या बताऊं उसको, आप ऐसे नहीं, अब मैं आपको कैसे बताऊं कैसे इसको चेंज करोगे। वो कह रहा है आपको जो हाईलाइट करके दिया हुआ है ना, इसको आपको चेंज करना है जैसे फॉर्म में। ये गेव मी द सीडी ऑफ सॉन्ग्स संग हुआ लता। इसको कैसे चेंज करोगे अब मैं आपको बताऊं तो, अब एक से ध्यान रखो, एक से ध्यान रखो, एक से मैं आपके साथ बता दूं, ये दोनों केस थे बुक ऑफ तान्या पूरा सोल्जर्स, तो जो जिससे वो चीज़ बिलोंग कर रही है वो दोनों ही केस में क्या है लिविंग है, वो दोनों ही केस में क्या है लिविंग है, तान्या भी लिविंग है सोल्जर्स भी लिविंग है। तो ये जो एपोस्ट्रॉफी जो एस लगता है ना, एपोस्ट्रॉफी जो एस लगता है ये हमेशा लिविंग लिविंग के केस में लगेगा, लिविंग के केस में। अगर नाउन, अगर जो जो बिलोंग कर रहे हैं जो नाउन है ना, जो नाउन जो अगर वो लिविंग है तभी ऐसा, तभी एपोस्ट्रोफियस लगता है, अगर वो नॉन लिविंग है ना तो एपोस्ट्रोफियस नहीं लगता, ठीक है। तो ध्यान रखना तो इस चीज़ का। तो अब देखो यहाँ पे जरूरी है सेंटेंस ऐसा ही हो, ऑफ वाले ही हो, ऑफ की जगह दूसरी भी हो सकते हैं, ठीक है। बस आपको पहचानना पड़ेगा कि कहाँ पे पजेशन है, कहाँ पे बिलोंगिंग आपको दिखाई दे रही है, कहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि इससे रिलेट करती है इसकी है ये। तो यहाँ पे लिखा प्लीज गिव मी द सीडी ऑफ सॉन्ग संग बाय लता। वो कह रहा है मुझे सीडी दो उन गानों के जो लता ने गाई है। लता कौन? लता कौन? लेट लता मंगेशकर, जो हमारे पुराने टाइम के बहुत अच्छे सिंगर थे, अब ये अलाइव नहीं है, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं हमें, मुझे प्लीज मुझे वो वाली सीडी दो, उन सॉन्ग्स की सीडी दो तो लता ने गाई है, ठीक है। तो उसको कैसे लिखोगे? प्लीज गिव मी सर, सॉन्ग्स सीडी मत कर देना आपका सर, ये इस वाले सेंटेंस को चेंज करोगे नहीं, सॉन्ग्स सीडी नहीं कर पाओगे क्योंकि सॉन्ग्स आपका क्या लिविंग नहीं है, तो आप तो इसको चेंज कर ही नहीं पाओगे, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। आपको ये देखना बिलोंगिंग, इन दोनों के बीच में बिलोंगिंगनेस दिखाई दे रही है, इनके बीच में दिखाई दे रही है कि ये सॉन्ग किससे बिलोंग करते हैं, लता से। सॉन्ग किससे बिलोंग करते हैं? लता से। तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा आपको प्लीज गिव मी द सीडी, सीडी ऑफ, प्लीज गिव मी द सीडी ऑफ लताज सॉन्ग, लता फिर एपोस्ट्रोफियस फिर सॉन्ग, प्लीज गिव मी सीडी ऑफ लताज सॉन्ग, है ना। यहाँ पे तो बिलोंगिंगनेस बताई, देखिए घर किससे बिलोंग करता है, मेरी बहन का, मेरी भाभी का। द हाउस ओन्ड बाय माई सिस्टर इन लॉ वुड बी अप फॉर सेल वेरी सून। वो कह रहा है मेरी बहन का जो घर है, मेरी सिस्टर इन लॉ का जो घर है वो बहुत जल्दी सेल पर होगा, यानी हम उसको बहुत जल्दी सेल कर देंगे। तो क्या लिखोगे? माई सिस्टर इन लॉ तो अलाइव होती है ना, हाँ तो लिखना पड़ेगा माई सिस्टर इन लॉज, इन लॉज माई सिस्टर इन लॉज हाउस। देखो माई सिस्टर इन लॉज हाउस वुड बी अप फॉर सेल सून, यानी इसको हमने चेंज कर दिया, इसको हमने क्या करें चेंज करें सर, ओन्ड वगैरह वर्ड हट जाएंगे, ऑफ वगैरह हट जाएंगे, बाय वगैरह हट जाएंगे, ठीक है। द वो सॉरी माई सिस्टर इन लॉज हाउस वुड बी अप फॉर सेल वेरी सून, है ना, लिख लिया। ये मैं आपको सारे करा देता हूँ, है ना। द न्यू बुक रिटन बाय विक्रम सेठ हैज बिकम वेरी पॉपुलर। सर एक विक्रम सेठ है, उन्होंने एक नई बुक लिखी जो क्या हो चुकी है वेरी पॉपुलर हो चुकी है। तो बुक किससे बिलोंग करती है, बुक किससे बिलोंग करती है, विक्रम सेठ से। तो इस वाले एरिया को आप चेंज करोगे तो कैसे होगा? विक्रम सेठ से न्यू बुक, विक्रम सेठ एपोस्ट्रॉफी एस का न्यू बुक, विक्रम सेठ से न्यू बुक रिटन बाय हट जाएगा, विक्रम सेठ से न्यू बुक हैज बिकम वेरी पॉपुलर, हैज बिकम वेरी पॉपुलर, है ना। लिखा हुआ ये वाला राज वेंट टू गेट मेडिसिन फ्रॉम द डॉक्टर ऑफ द कॉलोनी। राम मेडिसिन लेने गया किस डॉक्टर से, जो आपके कॉलोनी में रहता है, जो आपके कॉलोनी में ही रहते हैं। तो राम वेंट टू गेट मेडिसिन फ्रॉम द डॉक्टर ऑफ द कॉलोनी। अब यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका बोल बोल नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, इसको भी मतलब क्या लिखना पड़ेगा आपको, राम वेंट टू गेट, सॉरी राम वेंट टू गेट मेडिसिन फ्रॉम द कॉलोनी डॉक्टर। ये थोड़ा अजीब है, अभी थोड़ा गलत है, पता है कॉलोनी आपका ना लिविंग नहीं है, कॉलोनी आपका क्या है लिविंग नहीं है,
कॉलोनी डॉक्टर या कोई वर्ड है, अभी थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे। फोर्थ वाला मैं आपको बता दूंगा, उसको होल्ड रखना क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो गलत होगा ये, ऐसे के ऐसे रहना चाहिए उसको, ठीक है। फिफ्थ वाले पर आओ। आई लव द पोइम्स रिटन बाय टैगोर, मुझे पोइम्स पसंद हैं जो कौन जो किसके द्वारा लिखी गई हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। तो यानी बिलोंगिंगनेस दिखाई जा रही है पोइम का टैगोर की, तो लिख सकते हो आई लव टैगोर पोइम, आई लव टैगोर एपोस्ट्रॉफी एस फिर पोइम, आई लव टैगोर पोइम, आई लव टैगोर पोइम। फोर्थ वाला मैं आपको बता दूंगा, मेरे अकॉर्डिंग का आंसर ये रहना चाहिए एज इट इज, इसमें हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, पर देखते हैं अभिषेक ने क्या करवाया हो सकता है इसका, मेरे अकॉर्डिंग तो गलत होगा ये। ठीक है, इस वीडियो में तो हम इतना ही करते हैं नाउंस तक, तो हमारा नाउंस कंप्लीट हो गया। होमवर्क दिया मैंने आपको, कुछ ध्यान रखना होमवर्क करने है आपको, तो कल की वीडियो में आपके प्रोनाउन में खत्म कर दूंगा, तो थोड़ा सा प्रोनाउन पढ़ के रखना कि क्या होता है, क्योंकि आपने अभी प्रोनाउन का डायरेक्ट मीनिंग नहीं बताया, बहुत डिटेल में नहीं बताया, बहुत कम बताया, तो जितना आप घर पे हो सके उतना आप घर पे रेडी कर लेना, ठीक है। ऑफ करता हूँ मैं, है ना।